चुरू जिला मुख्यालय के वार्ड संख्या 57 में शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में बुधवार को लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और पार्षद की अगुवाई में लोगों ने आबकारी विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वार्ड पार्षद ने बताया कि जिस लोकेशन पर शराब की दुकान खोली जाना प्रस्तावित है उसके 20 मीटर की दूरी पर ही मंदिर स्थित है, जहाँ महिलाएं पीपल सींचने के अलावा दीपदान इत्यादि करती है। इसके अलावा पिछली गले में ही सत्संग भवन है, जहाँ आए दिन पारिवारिक और सामाजिक आयोजन होते हैं। शहर के इस पुराने मोहल्ले में सब्जी मंडी जाने का भी रास्ता है। लोगों ने विरोध जताते हुए कहा कि यदि मोहल्ले में शराब की दुकान खोली गई तो गढ़ चौराहे पर आंदोलन किया जाएगा। सेवा समिति जाने वाले मेन रास्ता है और यहाँ मंदिर भी है और ये बेरुजी का और ये पूरे मोहल्ले में जो है ऐसी शराब की दुकान खुलने की यहाँ संभावना है। अभी पता चला है कि इसकी यहाँ इस गली में शराब की दुकानें खुलेगी तो ये मोहल्ला कोई शराब पीने वाला नहीं है, कोई इस यहाँ पे शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए किसी हालत में। पूरा मोहल्ले में विरोध इस चीज़ का, यदि इस बात को सुनाई नहीं हुई तो पूरा मोहल्ला बाजार में बीच में बैठ के चौरस्ते के ऊपर और बाजार बंद करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। आबकारी के द्वारा यहाँ पे एक शराब का ठेका खोलने की जो तैयारियाँ है या जो भी प्रक्रिया चल रही है उसके लिए जो दुकान का अलॉटमेंट किया जा रहा है उसके 20 मीटर के दायरे में एक मंदिर है। आसपास पूरी आबादी है वो बाजार से सटी हुई है। अगर यहाँ आबकारी के द्वारा शराब का ठेका खोला जाता है तो वार्डवासियों या चूरू वासियों के द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा।